आज की वीडियो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तब संख्याएं बताइए। ठीक है, आपसे पूछा क्या, दोनों संख्या आपसे पूछा गया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तीन तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये क्या कर सकते हैं, आप इसे एक्स और वाई से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करिए, और तीसरा तरीका एक ट्रिक से आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन से बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको करना कि कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शन लिया जाए जिनको जोड़ने पे उनका योग कितना मिल जाए, दोनों का 46 मिल जाए, और उन दोनों का अंतर कितना मिलना चाहिए मुझे, 14 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस बात को कौन फॉलो कर रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना मिल जाएगा, आपको 46 मिलेगा। इन दोनों संख्याओं का योग आपको कितना मिल जाएगा, 46 आपको मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये फॉलो कर रहा है। अब करना कि इनके बीच का अंतर करना, और अंतर मुझे चाहिए कितना, 14 का चाहिए। क्या इनके, इन दोनों के बीच का 14 का अंतर मिलेगा, 4 का अंतर मिलेगा, तो पहला ऑप्शन को क्या हो गया, रिजेक्ट। इन दोनों संख्याओं का योग कितना चाहिए, 46 चाहिए, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना चाहिए, 14 का चाहिए। तो 46 तो मिल जाए, लेकिन दोनों संख्याओं का अंतर करें, अंतर कितने का मिलेगा, 4 का मिलेगा। ये इस बात को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए आपको पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना मिल जाएगा, आपको 46 मिल जाएगा। अब आपको ये चेक करना, क्या इन दोनों के बीच का अंतर 14 मिल जाए, क्या अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितने के मिल जाएगा, 14। ठीक है, अर्थात ये देखिए दोनों कंडीशन को फॉलो करा। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 14 है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक्स से करना क्या, आपको आपको करना कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर लेंगे तो आपको बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 60 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, आपको 60 आपको मिल जाएगा। 60 का करना कि आपको आधा कर लेना है, कितने मिल जाएगा, 30 आपको मिल जाएगा। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या आपको पता चले, अगर छोटी संख्या पता करो इन दोनों संख्याओं में, तो करना कि इन दोनों का अंतर करिए, अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे अंतर कितने का मिलेगा, से इन दोनों क्या करना, अंतर करना, अंतर कितने का मिलेगा, आपको 32 का मिलेगा। अंतर करने के बाद करना कि इसका आधा कर लें, अगर इसका आधा कर लें कितना मिलेगा, 16। ठीक है, देखिए संख्या आपको इस तरह से भी पता चलिए और इस तरह से भी आपको पता चले। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे ऑप्शन सॉल्व करिए या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। कैसे संख्याओं का पूछा योग, सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। तो इन दोनों यहां से यहाँ क्या करना, सभी सम संख्याएं लिखनी, तो पहली सम संख्या आपको 2 मिल जाएगी, फिर इसके बाद 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, इस तरह से डॉट डॉट करते करते लास्ट वाली सम संख्या क्या मिलेगी, 100 आपको मिल जाएगी, 100 आपको मिल जाएगी। अब इन सभी का क्या करना, आपको योग करना है। ठीक है, तो योग करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान है, क्या मैं देख रहा हूँ 2-2 का अंतर, अगर अंतर समान आप यहाँ से बता सकते योग, बहुत ही आसान ट्रिक से। करना क्या, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिया, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 102/ इतना। अब इनटू क्या करें, यहाँ संख्याएं से गुणा कर लिए और इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 50 यानी 100 में क्या होंगी, 50 सम संख्या होंगी, 100 में 50 सम संख्या होंगी और 50 क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक संख्या कैसी संख्या है, सम संख्या, और ये संख्या कितनी होंगी, 25 होंगी, सॉरी 50 होंगी, कितनी होंगी, 50 होंगी, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आप यहाँ से क्या करिए, 50 आप लिखिए। अब करना कि इसको यहाँ से काट दिए, अगर आप यहाँ से काट देंगे 2 × 5 = 10 हो गया और 5 × 2 = 2। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दिए, अगर इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 5 × 5 हो गया और 5 × 25। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 25 50। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा, इसमें आपसे यही पूछेगा। इसके बीच में भी कुछ संख्या है, ठीक है, इसके बीच में भी संख्याएं हैं जो आपको डाउट करके दे दिया गया। तो कैसे आप इन सभी संख्याओं का योग बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। ठीक है,
सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनके बीच का अंतर समान क्या है। तुम्हें देख लो 5-5 का अंतर है, अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो करना क्या आपको यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 205 मिलेगा। 205 बटे कितना हो जाएगी 2। ठीक है, अब इनटू क्या करना को संख्याएं से गुणा करना है। ठीक है, आपको ये पता करें कि यहां से यहां संख्याएं कितनी है। तो कैसे पता करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो जितनी भी संख्या आपको दिख रही है सभी देखिए 5 से कटेंगे। जितनी भी संख्याएं दिख रही है सभी 5 से आप कटेंगे, कटेंगी नहीं कटेंगे, सभी कटेंगे। तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इससे पहले भी तो कुछ संख्याएं रहेंगे, यानी इससे पहले 60 रहोगे जो 5 से कटेगा। इस तरह से डॉट करते करते और ये कहां तक रहोगा, इस तरह से स्टार्टिंग रहोगे। ठीक है, इस तरह से रहोगे नहीं, इस तरह से ये 5 से सभी कटेंगे। तो कैसे आप बताएंगे यहां से यहां की संख्या कितनी मैं आपको तरीका बता। सबसे पहले करना क्या आप इसमें 5 से क्या करिए भाग दे, क्योंकि सभी इनके बीच का अंतर क्या है 5-5 का है। इसमें क्या करिए 5 से भाग दे। अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 × 10 हो गया और 5 × 30 हो गया। इतना क्लियर है, यानी यहां से यहां तक कितनी संख्या होगी 26 संख्या होंगी। लेकिन मुझे क्या करें इससे पहले वाली संख्या हटाना है। तो करना क्या आप इसमें क्या करिए 5 से भाग दे, 70 में क्या करिए 5 से भाग दे। अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 हो गया और 2 × 5 = 20। यानी यहां से यहां कितनी संख्या है 14 संख्या। तो करना कि यहां से टोटल कितनी संख्या है 26 संख्या है, जबकि हमको ये पता चले कि यहां से यहां कितनी संख्या है 14 संख्या। अगर टोटल में से 14 घटा लो तो मुझे क्या पता चले यहां से यहां कितनी संख्या है ये पता चले। अगर आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 12। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि यहां से यहां तक संख्या कितनी है 12 है। आप इसमें क्या करिए 12 से गुणा। अब करना कि इसको यहां से मैं काट दूं कितनी बार कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। अब इन सभी का आपस में गुणा, अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लें तो कितना मिल जाएगा, तो यहां से 6×5 = 30 हो गया और एक कर 6×2 = 12। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और इस तरह से डॉट कितना दिया 25 का स्क्वायर का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, अगर आप इन सभी संख्याओं को प्रसार करके फिर जोड़ेंगे आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है और फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, फार्मूला आपका यही होता है कि आप यहां से लेंगे n, n हो जाएगा यहां से n+1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में n+2 हो जाएगा और पूरे कपड़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए क्या होता है फार्मूला, आप इसको लिख दीजिए। जब क्या हो यानी कि क्या स्पेशल विषम संख्या, इसके लिए आपको ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, अगर ये प्राकृतिक संख्या रहती है जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आता है तो इसके लिए फार्मूला तब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, एन हो जाएगा n+1 हो जाएगा और यहां से 2n+1 हो जाएगा और पूरे का बटा 6 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब स्पेशल किया विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, एन हो जाएगा n+1 हो जाएगा और n+2 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें रखकर लोग सॉल्व करते और हमारा क्या जाएगा आंसर, एन का मान आपको पता है, एन का मान कितना है 25 है। आप यहां से रख लिए योग के लिए क्या करना आपको, एन का मान कितना है 25 है, तो यहां से क्या करिए 25 रख लिया, 25 हो गया और 25 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 26 हो गया। अब 25 में क्या करना आपको 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाए आपको 27 मिल जाएगा और पूरे का बटा कितना हो गया यहां से 6 हो गया। अब देखिए 3 से ये भी कटेगा काट के छोटा कर लिया, यहां से 3×9 = 27 हो गया और ये 3×2 = 6। इसको यहां से काट दो कितने में कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा। अब करना कि इन सभी का आपस में गुणा करना, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 13×9 कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब 170 में क्या करना आपको 25 का गुणा करना है, यहां से जब गुणा करें कितना आपको 2925 आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। जब स्पेशल के विषम संख्याओं के वर्गों का अगर ये पूछा जाए तो क्या करें आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता। सबसे पहले ये चेक करिए कितनी संख्याओं का योग है, ये 5 क्रमागत संख्याओं का योग यानी कितनी संख्याओं का योग है 5 संख्याओं का योग। जैसे आप इसमें 5 से भाग देंगे आपको क्या पता चलेगा, मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। मैंने आपको क्या बताया 145 में क्या करेंगे, जैसे आप 5 से भाग देंगे तो मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। अगर आप इसमें भाग देंगे तो 5×2 = 10 हो गया और 4×3 = 45 हो गया, ये मध्य वाली संख्या आपको पता चले। ठीक है,
पांच संख्याएं रहेंगे उनमें बीच वाली संख्या आपको पता चले कितनी है 29। ये इसका क्या गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच है। ठीक है, अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि उन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो क्या बताएंगे आप, इससे बाद वाली विषम संख्या क्या जाएगी 31 आ जाएगी और इससे बाद वाली कितना आ जाएगी 33 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इससे आपसे ये पूछा उन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या क्या बताएंगे, इससे पहले विषम संख्या कितना जाएगी 27 आ जाएगा और इससे पहले कितना जाएगा 25। ठीक है, अगर ये पूछे तो बताएंगे आप, ठीक है, नहीं तो आपको ये क्या गया आंसर आ गया, जैसा आप इसमें पांच से भाग दें आपको ये क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, इस क्वेश्चन ये पूछे। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या, आप इसे एक्स वाई मान के सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता दूं। कहा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया आपको, 93 दिया गया। अगर हम लोग मान ले पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या कितना वाई, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया आपको, यहां से 93 दिया गया। कितना दिया गया है, 93 दिया गया। फिर क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 28 दिया। आप यहां से लिख लिए x माइनस वाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 28 दिया गया। तो प्रश्न ने पूछा कि संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। अगर ये वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। यहां से जब वर्ग कर देंगे और इसका भी आप वर्ग कर, जब आप इससे प्रसार करें इसका मान कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। इतने क्लियर है। अब की करना क्या आपको, 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर करना आप क्या करिए, आप 28 का स्क्वायर यहां से लिख लीजिए। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। ठीक है, अब देखिए x और y का मान आपको पता है, x और y का मान कितना, 93। तो आप इसे क्या कर सकते, 93 ले सकते हैं। 93 में क्या करना आपको, 2 से गुणा करना। 93 में क्या करना आपको, 2 से गुणा करना। अगर आप 93 में 2 से गुणा कर लेंगे, 2 3 6 हो गया और दोनों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 186 आपको मिलेगा। यहाँ पे कितना आ गया, 186 आ गया, माइनस में कितना आ गया, 186। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये जाके इसमें जुड़ जाएगा। अगर इसमें जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, y है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आपको पता चले कितना है, 970 है। सी ऑप्शन किसका मैच करेगा। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। ट्रिक से क्या करना आपको, कौन सी दो संख्याएं ली जाए कि जिनका गुणनफल कितना हो जाए, 93 हो जाए और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाए, 28 हो जाए। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या कौन सी संख्याएं ले सकते, 31 और 3 आप ले लीजिए। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना मिलेगा, 93 मिलेगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर करें, अंतर कितने के मिलेगा, 28 के मिलेगा। ये इस बात को फॉलो करें, यानी हमको संख्याएं पता चली। क्यों संख्याएं आपको पता चली, आप क्या कर सकते, इसका फैक्टर भी करके पता कर सकते हैं। 93 का फैक्टर करके भी आप पता कर सकते हैं, यहां से कटेगा 3 3 9 हो गया और ये इसका गुणनफल कितना मिल गया, 3 और 31 आपको मिलेगा। इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपको संख्याएं पता चली कितना ये 31 है और कितना है 3 है, तो प्रश्न पूछा कि संख्याओं के वर्गों का योग जानना चाह रहे हैं। अगर आप 31 का स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब इन दोनों क्या करिए, जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 970। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। चाहे आप इस तरह से लगाइए, चाहे आप इस तरह से लगाइए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।